आज लकी नसर पंजाब नू मेरी नसर उतारा, कोई लैके मिर्चा कौड़िया दे सिर तो बारा। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं गुरतेज सिंह द पंजाब पल्स चैनल ते तुहाडा सब दा स्वागत करता। यह जून का महीना चल रहा है, और जून जो हर साल पंजाबियों के सीने ते कुरेदे गए जख्मां नू फिर ताजे करना होता है। जून 1984 यह वर है जिस वे पंजाब ते पंजाबियत नू एक बुरी नजर ने खा लिया सी। कड़वां शुरू होंदियां ने 80 दे दशक दे शुरुआत दे विच, जिदे विचों पंजाब दे कुछ हिंदू भाईचारे दे लोकां नू मारिया जांदा है, ते बदले दे विच ओह साडे सिख भाईचारे दे व्यक्तियां नू मारदे। इन्हां सारे सैनियों नू देखिए इस पिछे एक उस समय की सत्ताधारी पार्टी का हथ है, पर स्पष्ट भी है वह सत्ताधारी पार्टी सत्ता के बड़े रहने पंजाब को काबिज करने के लिए यह सब कार्य करवा रही। कुछ गर्म ख्याली नौजवान जिन्होंने अपने कुछ मंगा के कुछ एजेंडे से वह श्री दरबार साहब के आगे बैठ गए। 1 जून 1984 दोपहर के 12:30 बजे जदों फौज ने उस सारे इलाके की घेराबंदी कर ली जिथे वो नौजवान बैठे सन। श्री गुरु रामदास हॉल के बाहर गोला मारी गई, तो शाम तक 8 नौजवान मारे गए। सारा अमृतसर शहर सीआरपीएफ के बीएसएफ के हवाले कर दिया गया। 2 जून श्री दरबार साहब के हमले की खबर को सुन के पढ़ के हिंदू सिख मुस्लिम भाईचारे के लोग श्री दरबार साहब आ गए। एक घटना बहुत वड्डी सी जिहड़ी पूरे देश को हिला के रख दिया। उस समय की सरकार ने अखबार बंद करवा दिए, टीवी बंद करवा दिए, तो पूरे पंजाब नू सीआरपीएफ ते बीएसएफ के हवाले कर दिया। कुछ भारतीय फौज के अधिकारी सर्दी वर्दी के श्री दरबार साहब के अंदर गए ताकि जायजा ले सकन कि अंदर किस तरह की घेराबंदी है, किस तरह के उन्होंने को हथियार है। तो शाम समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के भाषण तो बाद टेलीफोन लाइना कट दी गई, तो बिजली की सप्लाई कट।